हेलो देयर एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल डी आर एक्स फैमिली पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेबेप्राजोल के बारे में। ये रेबेप्राजोल क्या है, कितने एमजी में इसका इस्तेमाल किया जाए किसी एक बीमारी को सही करने के लिए, कौन कौन सी बीमारी को ये सही कर सकता है और किस ब्रांड नेम से ये मार्केट में अवेलेबल है, कौन कौन से लोगों को इस रेबेप्राजोल से दूर रहना है, कौन कौन से लोगों को रेबेप्राजोल का इस्तेमाल करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले मैंने वीडियो में पेंटोप्राजोल के बारे में बताया था, तो अगर आप पेंटोप्राजोल के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो का लिंक दे के रखा है, आप वहाँ से पेंटोप्राजोल के बारे में नॉलेज ले सकते हैं। रेबेप्राजोल प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, ठीक पेंटोप्राजोल की तरह। जैसे पेंटोप्राजोल हमारे पेट में जाने के बाद गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन को, मतलब पेट के जो अम्ल हैं उनके रिसाव को बंद कर देता था, ठीक उसी तरीके से रेबेप्राजोल भी हमारे शरीर के अंदर जो अम्ल का रिसाव हो रहा है हमारे पेट में उसको ये बंद कर देता है, जिसके वजह से ये चार तरह के बीमारियों को सही करता है। सबसे पहले आता है गैस्ट्रोइसोफेगियल रिफ्लक्स डिसीज, जिसमें हमारे गले में जलन हो जाता है, खाने की नली में जलन हो जाता है, खट्टे डकार आने लगते हैं। हाइपर सिक्रीटरी कंडीशन, जिसमें से एक एग्जाम्पल है जोलिंजर रिलीशन सिंड्रोम, मतलब आपके पैंक्रियाज पे ट्यूमर हो जाते हैं जिसकी वजह से बहुत ज्यादा अम्ल आपके पेट में बनने लगता है, इस बीमारी को भी सही करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं रेबेप्राजोल का। फिर आता है एक्टिव पेप्टिक अल्सर, जीआई ब्लीडिंग, अगर आपके पेट में कहीं पे खून का रिसाव है या पेट में कहीं फोड़ा है तो उसको भी सही करने के लिए हम रेबेप्राजोल का इस्तेमाल करते हैं। एच पाइलोरी इन्फेक्शन एक ऐसा इन्फेक्शन है, थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ, एक ऐसा इन्फेक्शन है जिससे पूरा दुनिया का आधा पॉपुलेशन पीड़ित है मगर किसी को ये पता नहीं चलता है कि हम एच पाइलोरी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन हुआ है हमको, ये किसी को पता नहीं चलता। जब पेट में दर्द होता है या पेप्टिक अल्सर होता है तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले आपके लिए एच पाइलोरी इन्फेक्शन का टेस्ट करवाते हैं, जो कि स्टूल स्कोप या ब्लड सैंपल्स के द्वारा टेस्ट किया जाता है। फिलहाल ये बीमारियों को सही कैसे किया जाए, तो सबसे पहला बीमारी जो है गैस्ट्रोइसोफेगियल रिफ्लक्स डिसीज। यदि किसी व्यक्ति को गैस्ट्रोइसोफेगियल रिफ्लक्स डिसीज है, मतलब गले में उसके जलन है या खट्टा डकार आ रहा है, तो उस केस में रेबेप्राजोल का 20 mg, एक वयस्क जो है रेबेप्राजोल का 20 mg इस्तेमाल करे रोज सवेरे 4 से 8 हफ्तों तक के लिए। रिस्पॉन्स कितना मिल रहा है हमको इस दवा का, उसी हिसाब से हम इसका मेंटेनेंस डोज रखते हैं जो कि तकरीबन होता है 10 से 20 mg डेली। वैसे एक बार जब आपको पूर्ण रूप से राहत मिल जाए कि अब हमको सही हो गया, मेरे गले में जलन नहीं हो रहा है, या जो कहा जब सीने में जो दर्द हो रहा था, ऐसा भी होता है कि गैस्ट्रोइसोफेगियल रिफ्लक्स डिसीज की वजह से हार्ट बर्न भी होता है, जिसकी वजह ऐसा लगता है कि दिल में हमारे आग सी लगी हुई है, तो जब आपका ये सिम्टम्स आना बंद हो जाए, जब ये सिम्टम दिखना का बंद हो जाए और वापस कभी आता है दोबारा से, तो उस समय केवल 10 mg रेबेप्राजोल का इस्तेमाल करेंगे तो फिर से वो सिम्टम गायब हो जाएगा। तो इस तरीके से आप रेबेप्राजोल के 10 से 20 mg का इस्तेमाल करके गैस्ट्रोइसोफेगियल रिफ्लक्स डिसीज को सही कर सकते हैं। मुख्य तौर पर आपको 20 mg का इस्तेमाल करना है केवल वयस्क में। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं हाइपर सिक्रीटरी कंडीशंस के बारे में, कि कैसे ये क्या है बीमारी, इसको कैसे सही किया जा रहा है रेबेप्राजोल का इस्तेमाल से। अभी को मैंने आपको नाम लेके बताया था हाइपर सिक्रीटरी कंडीशन। हाइपर सिक्रीटरी कंडीशन मतलब आपके शरीर के अंदर कुछ ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जिसके वजह से आपके पेट के अंदर बहुत ही ज्यादा एसिडिटी या कहा जाए एसिड का सिक्रीशन होने लगता है, जिसके वजह से आपको गले में जलन उलन और पेट में दर्द ऐसा कुछ आपको सिम्टम देखने को मिल सकता है। तो ऐसी बीमारियां हैं, फॉर एग्जांपल सबसे पहला है जोलिंजर इलिशन सिंड्रोम, बैसोफिलिक ल्यूकेमियास, सिस्टिक फिब्रोसिस, ऐसी कुछ बीमारियां हैं जिनके वजह से ऐसा हाइपर सिक्रीटरी कंडीशन देखने को मिलता है जिसमें आपके पेट के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में अम्ल बनने लगता है। तो इसको ऐसे हाइपर सिक्रीटरी कंडीशन को सही करने के लिए आपको 60 mg, तकरीबन 8 mg का इस्तेमाल करना होता है रेबेप्राजोल का, और हद से अधिक अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैक्सिमम आप 120 mg रेबेप्राजोल का इस्तेमाल कर सकते हैं इस हाइपर सिक्रेटरी कंडीशंस को सही करने के लिए। तो हम लोग बात करने वाले हैं एक्टिव पेप्टिक अल्सर के बारे में। कम शब्द में जानो, आसान शब्द में जानो तो ये हमारे पेट के अंदर के फोड़े हैं, और अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड में जानो तो ये जो हमारा एक्टिव पेप्टिक अल्सर है, ये इसको जीआई ब्लीडिंग भी कहते हैं, ये असल मायने में जुड़ा होता है दो बीमारियों से, डाई इलाफोए लिजन के द्वारा और क्रोनिक इंटेस्टाइनल वैस्कुलर इंसफिशियंसी, इन दोनों के वजह से ये हमें एक्टिव पेप्टिक अल्सर डिसीज होता है।
इस बीमारी में आपके पेट में बहुत तेज दर्द होगा। क्यों? क्योंकि आपके पेट में बहुत बड़ा फोड़ा बन जाता है। क्यों? अब ये फोड़ा क्यों बन रहा है? क्योंकि जब एसिड आपके पेट के दीवार को छू देता है किन्हीं कारणवश कैसे भी, तो उस समय ये फोड़ा बनता है। तो अब इसको सही कैसे किया जाए? अगर आपको एक्टिव पेप्टिक अल्सर को सही करना है तो जनरली आपको 20 एमजी का इस्तेमाल करना है 4 से 8 हफ्तों तक के लिए। अगर डियोडेनल अल्सर है तो 6 से 12 हफ्तों तक के लिए आपको 20 एमजी रेबेप्राजोल का इस्तेमाल करना पड़ेगा उस डियोडेनल अल्सर को सही करने के लिए। चलिए फिलहाल समझिएगा, एच पाइलोरी इन्फेक्शन एक ऐसा इन्फेक्शन है जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नामक बैक्टीरिया से होता है। ये हमारे पेट में इन्फेक्शन जनरली देखने को मिल जाता है। ये एक ऐसा इन्फेक्शन है जिससे आधी दुनिया पीड़ित है, मगर लोगों को पता नहीं रहता है कि हमें इन्फेक्शन हुआ है। आमतौर पर देखा जाए तो ये बचपन में इन्फेक्शन हमारे पेट में हो जाता है। ठीक है, अभी समझिएगा कि अगर आपको एच पाइलोरी इन्फेक्शन को सही करना है, यदि आप एक डॉक्टर हैं, नर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, तो ये जानकारी आपके पास जरूर होनी चाहिए कि एच पाइलोरी बैक्टीरिया को इन्फेक्शन को सही करने के लिए हमें रेबेप्राजोल के साथ में 2 एंटीबैक्टीरियल का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, अब एंटीबैक्टीरियल क्लेरिथ्रोमाइसिन तो कंपलसरी है, इसका इस्तेमाल करना ही करना है। दूसरा जो है उसमें आप चुन सकते हैं, या तो मेट्रोनिडाजोल को चुन लीजिए या तो एमोक्सिसिलिन को चुन लीजिए। अगर मेट्रोनिडाजोल चुन रहे हैं तो क्लेरिथ्रोमाइसिन 500 सुबह शाम, मेट्रोनिडाजोल सुबह शाम 400 mg, और अगर आप एमोक्सिसिलिन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्लेरिथ्रोमाइसिन 500 सुबह शाम और एमोक्सिसिलिन 1 ग्राम सुबह शाम। और उसकी इन दोनों के साथ में एक चीज आपको कॉमन रखना है, वो है रेबेप्राजोल 20 mg सुबेरे मॉर्निंग में खाली पेट आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब कहीं जाके आप एच पाइलोरी इन्फेक्शन बैक्टीरिया से निजात पाएंगे। फिलहाल अब हम लोग बात करते हैं कैसे कैसे लोगों को, किन लोगों को रेबेप्राजोल से दूर रहना है, अब इसकी बात हो रही है। सबसे पहले हाइपर सेंसिटिविटी, जिसको रेबेप्राजोल खाते ही पूरे शरीर में जिसके एलर्जी हो जाए, रिएक्शन, ऐसे लोग जिनको रेबेप्राजोल खाते ही रिएक्शन हो जाए उनके शरीर में, बड़े बड़े फफोले पड़ जाए उनके शरीर पे, ऐसे लोगों को रेबेप्राजोल से दूर रहना है। दूसरा, अब हम बात करते हैं स्पेशल प्रिकॉशन, किन लोगों को बहुत विशेष ध्यान देना पड़ता है जब वो रेबेप्राजोल का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले वो लोग रेबेप्राजोल का कतई इस्तेमाल ना करें जिनके लिवर में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, या ऐसे लोग जिनके पेट में कहीं कैंसर है, ऐसे लोगों को रेबेप्राजोल से बिल्कुल ही दूर रहना है। प्रेग्नेंट महिलाओं को बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है जब वो रेबेप्राजोल का इस्तेमाल करती हैं। और एक बात ध्यान से सुनिएगा, ऐसा भी हो सकता है कि रेबेप्राजोल खाने वालों के पेट में इन्फेक्शन हो जाए। क्यों? क्योंकि रेबेप्राजोल एसिड का सिक्रीशन बंद कर देता है, और एसिड एकमात्र ऐसा चीज़ है जो हमारे पेट के अंदर बैक्टीरिया को मारता है, उन बैक्टीरिया को जो हमारे खाने के साथ हमारे पेट में चले जाते हैं। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं ड्रग इंटरेक्शन की, कि मतलब ये रेबेप्राजोल कौन कौन सी दवाओं का काम बिगाड़ दे रहा है या कौन कौन सी दवाओं का काम बना दे रहा है। सबसे पहले ऐसा समझिएगा, अगर आपके शरीर पे कहीं भी दांत खाद खुजली है और आपकी वो दवा चल रही है पहले से, मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कीटोकोनाजोल और इट्राकोनाजोल दो ऐसी दवाएं हैं जिनके एब्जॉर्प्शन को रेबेप्राजोल रोक देता है। मतलब अगर कीटोकोनाजोल और इट्राकोनाजोल आपके शरीर में घुले ही ना, तो आपका जो दांत खाद खुजली के लिए आप दवा कर रहे हैं वो तो काम बनेगा ही नहीं, क्योंकि वो दवा तो आपके शरीर में घुली ही नहीं। और जब दवा घुलेगा नहीं, काम करेगा नहीं, तो आपको आपके बीमारी से निजात नहीं मिलेगा। तो इस वजह से कीटोकोनाजोल इट्राकोनाजोल को इस्तेमाल करने के दौरान में आपको रेबेप्राजोल का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक उसी तरीके से जब आप बात करते हैं डाइजीपाम या फेनाटोइन के बारे में, डाइजीपाम मतलब आपके दिमाग को सुस्त कर देने वाली दवा, नींद लाने वाली दवा या काल्मिंग इफेक्ट देने वाली दवा, फेनाटोइन मतलब जो मिर्गी में इस्तेमाल की जाती है दवा, ऐसी दवाएं जैसे डाइजीपाम और फेनाटोइन जब इनका इस्तेमाल करते हैं और आप रेबेप्राजोल खा लेते हैं, तो रेबेप्राजोल डाइजीपाम और फेनाटोइन को आपके शरीर से बाहर जाने नहीं देता है जल्दी। इस वजह से क्या होता है, बहुत लंबे समय तक ये दवाइयां आपके शरीर के अंदर काम करती रहती हैं और आप अपने निर्धारित समय पर फिर से दोबारा डोज ले लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो दो दवाइयां हमने बताई हैं फेनाटोइन और डाइजीपाम, इनकी मात्रा आपके शरीर के अंदर बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी देखने को मिलेगा, मतलब वो दवाइयां आपको रिएक्शन कर सकती हैं। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा कि डाइजीपाम फेनाटोइन का इस्तेमाल करते समय रेबेप्राजोल का इस्तेमाल ना किया जाए। रेबेप्राजोल के जो साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं वो हैं हेडेक, डायरिया, फ्लू लाइक सिंड्रोम, रैसेस, वॉमिटिंग, नौजिया, फैटीग, कॉन्स्टिपेशन, ए ग्रैनुलोसाइटोसिस। कम शब्द में समझो ऐसा कि आपके शरीर के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स की कमी होने लगती है। अगर आप एक डॉक्टर हैं, नर्स हैं,
फार्मासिस्ट हैं या हमारे इंडिया की जागरूक जनता हैं जो चार दवाओं के बारे में जान के चार लोगों को बताना चाहते हैं, तो बात मानिए मेरा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा ताकि सारे अपडेट आप तक पहुंचते रहें जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो। मेडिकल फील्ड से रिलेटेड ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के लेक्चर्स भी मैं अपलोड करता रहता हूँ। तो फिलहाल के लिए बाय बाय।